सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। आपके सितारे में हम बात करते हैं ग्रह और नक्षत्र के साथ आपके जीवन में कुंडली का क्या प्रभाव पड़ता है, कुंडली में कौन से नक्षत्र आपके जीवन में समस्या पैदा करते हैं, और साथ ही जानेंगे 12 राशियों के आज के दिन का हाल, जिससे आप अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों से रूबरू हो सके। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए आज मौजूद हमारे साथ एक बार फिर से विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। तो आप ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या फिर आपके किसी योग में कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है, और साथ ही आज हम पंडित जी से जानेंगे कि कैसे हो सौभाग्य में वृद्धि, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग की। आचार्य से जानते हैं कि आज का पंचांग कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी बिल्कुल जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069। कार्तिक मास चल रहा है, तिथि है कृष्ण पक्ष की तृतीया, उपरांत चतुर्थी लग चुकी है, और उसके साथ साथ आज जो है वो करवा चौथ का व्रत है, और जो लोग संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं आज गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है परिग, करण है विष्टि। चलिए ये तो बात हो गई पंचांग की, और अब बात करते हैं आज के राशियों की, कैसा होगा आपका आज का दिन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों को। आचार्य जी, अगर बात करें मेष राशि वाले जातकों के लिए, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने दैनिक कार्यों पर नियंत्रण रखना है, किसी अन्य के हाथ में आज जिम्मेदारी न दें, अपना पूरा कंट्रोल रखिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए देवी कवच का पाठ करेंगे, माँ पार्वती की आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा अधीरता व्याकुलता मत दिखाइए। चलिए जान लेते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को भूमि भवन के विषयों में अगर आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं, यानी आप खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आज आपका दिन आपके पक्ष में हो सकता है, मंगलमय हो सकता है आज का दिन आपको इस मामले में। और आज की तिथि में ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आज किसी वाद विवाद से स्वयं को बचाइए। चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में आज क्रोध न करें। चलिए अब लोगों से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या समस्या है और उसके निराकरण का क्या रास्ता है। सबसे पहले जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे साथ केडी श्रीवास्तव जी। जी श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप हमें अपनी जन्मतिथि बताइए। हाँ देखिए, हमें अपने लड़के के बारे में पूछना है। हमारे लड़के के डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1982 जी, और जन्म का वक्त और स्थान। जन्म स्थान जो है लखनऊ है, और दिन के 1:40 जी। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? इसके पूछना चाहते हैं इसका विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी कि सिविल मैरिज होगी, ये मीडिया में है जी।
देखिए प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा दिखाई देती है श्रीवास्तव जी, और जहां तक विवाह की बात है तो इनकी कुंडली के हिसाब से अभी विवाह में थोड़ी सी बाधा है, थोड़ा सा विलंब है, और इनके लिए वर्तमान समय कार्य क्षेत्र को लेकर के भी बहुत उथल पुथल वाला स्थिति का समय चल रहा होगा, और इनके जीवन में भी बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति, तनाव और दबाव की स्थिति होगी। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हनुमत आराधना करेगा आपका बेटा तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए उत्तरकाशी से लक्ष्मण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लक्ष्मण सबसे पहले अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरी जन्म तिथि है 17 भादो जी, 17 भादो 1950 जी। और जन्म का स्थान और समय? जन्म का स्थान है देहरादून और जन्म का समय है प्रातः 8:30 बजे जी जी। आप हमें अपने तारीख और महीना बता दें क्योंकि हमारे पास पंचांग नहीं है अभी 1950 का। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि 17 भादो जो है मानते हैं ना जी, लेकिन जो पहाड़ी साफ जो है वो सत्रह के भाषा में जो है मेरे लग्न में जो है शनि बुध के साथ किसी के साथ जी। आप अपना प्रश्न करें बताएं। तो एक तो मैं आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाह रहा था जी। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। आपको भगवान शिव पे कुछ मीठा द्रव्य चढ़ाना चाहिए या कच्चे दूध में कुछ मीठा डाल करके, शहद या शक्कर डाल करके अगर आप चढ़ाते हैं भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब हमारे साथ नैनीताल से आंचल जुड़ रही है। आंचल सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरी जन्म तिथि 27 सितंबर 1983 जी। और आपके जन्म का स्थान और समय? रामनगर है उत्तराखंड नैनीताल जी। समय बता दीजिए। समय सुबह 7:30 बजे है, 7:05 है जी। आंचल क्या समस्या आपके जीवन में? एक तो मेरी नौकरी कब लगेगी और मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है जी, बहुत प्रॉब्लम है जी। आंचल जी आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है और राहु में की जो स्थिति है आपकी कुंडली में वो चंद्रमा के साथ है भाग्य भाव में, तो ऐसी स्थिति में मन में बहुत ज्यादा दबाव होगा, अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति या अपने पारिवारिक पक्ष को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता आपको रहती होगी, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती होगी। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना के साथ साथ आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए क्योंकि आपने कहा धन नहीं रुकता, और जो बुध की अंतरदशा है बुध आपकी कुंडली में लग्न और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, तो भगवान श्री गणेश की आराधना करें। कुल मिलाकर के शिव परिवार की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए हमारे साथ कोटद्वार से जुड़ रहे हैं हमारे अगले कॉलर विजय। विजय सबसे पहले अपनी जन्म तिथि बताइए। हाँ सर, मेरी जन्म तिथि है 24 मई 1973 जी। और जन्म का स्थान और समय? जन्म का स्थान चमोली गढ़वा सुबह के 8 बजे जी। विजय क्या पूछ जाते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले सेना में नौकरी करता था, तकरीबन 17 साल देश सेवा कर दी, अब समाज सेवा का काम करना चाहता हूँ, इसमें मेरे को जॉब मिल सकता है कोई दूसरा, जैसे मैंने बीएड किया हुआ है जी। देखिए विजय जी आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की महादशा चल रही है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने सेना में, भारतीय रक्षा में, भारत की सुरक्षा के लिए आपने अपना समय दिया है, योगदान दिया है, आप आगे तौर पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं समाज का, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक गुरु है, वो नेता है, तो इस समय में आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समाज सुधारक की स्थिति, कोई ऐसा पद मिल सकता है, आपको निरंतर अपना प्रयास करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है और उनसे ही आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, जो भी सपोर्ट मिलेगा वो गुरु ग्रह से मिलेगा, तो पीले वस्त्र धारण करें, गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण का सम्मान करें, बहुत जल्दी ही लाभ मिलेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आचार्य जी से जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद तनाव देंगे, तो आपको ऐसे में परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी आपको धीरज बना करके रखना है और उसके साथ साथ अपने जो मन का भाव है उसको नियंत्रित रखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में आपके लिए यात्रा शुभ नहीं है तो यात्रा करने से बचिए। चलिए अब हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। आचार्य जी जी बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातक लोग अपने कार्य क्षेत्र में कार्य से घिरे रहेंगे, प्रेम विषयों के लिए समय कम मिल सकता है तो कार्य की अधिकता बहुत ज्यादा होगी। आज की तिथि को सफल बनाने के लिए ओम भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य का दबाव बहुत ज्यादा अपने ऊपर मत लीजिए।
चलिए हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। आचार्य जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामले लंबे खिंच सकते हैं। क्रोध करने से आज आपको बचना है और ऐसी किसी परिस्थिति से बचना है जहां आपकी परिस्थिति जो है उपहास के लायक बन जाए। ऐसे कार्य करने से, ऐसे अपने व्यवहार से आप बचिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम नवग्रह रक्षा कुरु कुरु नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और जैसा मैंने कहा, आज अपने क्रोध को नियंत्रित करें। जी हाँ, क्रोध को नियंत्रण करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कॉलर से। जी अपना नाम बताइए। विजय कुमार गुलाटी। जी अपनी जन्मतिथि बताइए। 25/8/62। जी और जन्म का स्थान और समय? मुरादाबाद, 2:45। क्या समस्या आपके जी, सुबह का या दोपहर का? दोपहर का। क्या समस्या आपके जीवन में? समस्या यह है, मैं 7 साल से मुकदमेबाजी में फंसा हुआ हूँ। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय आपके अनुकूल नहीं है। वर्तमान समय में आपको देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। आपकी पत्रिका, जन्म पत्रिका ये बताती है कि आप इस समय बहुत सारे तनाव वाद विवाद से ग्रसित हैं, तो देवी दुर्गा की आराधना से आपको जल्दी ही रास्ता मिलेगा। अगर संभव हो सके तो आपको एक पन्ना भी धारण करना चाहिए, सबसे छोटी वाली उंगली में। चलिए संदीप जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से हमारे साथ। संदीप, सबसे पहले अपनी जन्म तिथि बताइए। संदीप नमस्कार। पंडित जी। जी नमस्कार संदीप जी, बताएं। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1987। जी। सुबह के 2:45 का जन्म है मेरा। जी। अलीगढ़ का। जी। और क्या समस्या आपको? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब में देर क्यों लग रही है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छा योग नहीं है। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा तैयारी की हो, आपने कुछ एग्जाम्स भी दिए हो, आप कुछ एकाध उसकी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्वालिफाई भी कर गए हो। बहुत अच्छा संयोग नहीं बनता है संदीप, क्योंकि जो मंगल है वो नीच का है, उसके साथ साथ शनि की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। आप अगर उसके आश्रय बैठेंगे तो आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। आपको अपना कुछ दूसरा प्रयास भी करना चाहिए। अगर उसमें आपको सफलता मिल जाती तो ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से संभावना कम है। अब मैं आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा तोड़ भी नहीं सकता, आपको डिमोरलाइज भी नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना। तो मैं आपको ये सुझाव देता हूं कि आप सरकारी नौकरी के आश्रय न बैठें, आप कुछ अपना और प्रयास करना शुरू करें तो आपको लाभ मिलेगा। मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ गणेश जी की आराधना आपके जीवन में जो भटकाव की स्थिति है, अंधकार की स्थिति है, उसको दूर करके आपको एक अच्छा रास्ता आपको बताएंगे। चले आचार्य जी, अगले कॉलर की बात सुनते हैं कि उनकी क्या समस्या है। भावना जुड़ रही हैं भीमताल से। भावना, सबसे पहले आप अपनी जन्मतिथि बताइए। हेलो, मैं पंडित जी, मैं ये अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही। जी आप उनकी जन्मतिथि बताइए। मैं जन्म 19/5/1964। जी जन्म का स्थान और समय? जन्म का स्थान भीमताल और समय रात्रि 8:29। जी अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ, कौन सा काम करते हैं, कोई भी काम में इनको सफलता नहीं मिलती। जी बिल्कुल, देखिए आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका में इस समय राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है और शुक्र आपके पतिदेव के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जिनको मार्केश बोलते हैं वैसा योग बन रहा है। मार्केश अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट, जिसका सीधा संबंध मृत्यु से तो नहीं होता, लेकिन ऐसी स्थितियां बन जाती है जो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है, जिसको मृत्यु तुल्य कहते हैं। वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भगवान भैरव की आराधना राहु की महादशा में आपके पतिदेव के कुंडली योग के हिसाब से बहुत अच्छी सहायता दे सकती है। भैरवाष्टक का पाठ करें या सिर्फ ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत जल्दी ही रास्ता निकल जाएगा। और फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।
स्वागत है ब्रेक के बाद। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप दूसरों के को अधिकार दिलाने के लिए आगे रहेंगे, आज आप दूसरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसे में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। सच की आवाज हमेशा आप बुलंद करें और ऐसी परिस्थिति में या अपने कार्य निपटाने में आज आलस्य न करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम अग्रगण्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि आप अपनी शुभ ऊर्जा कहीं व्यर्थ तो नहीं कर रहे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी ऊर्जा न लगाएं जो आपके हित में न। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। खोया हुआ आत्मविश्वास आज आप वापस पा सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज निराश नहीं होना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आचार्य जी। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए मित्र साथी पर आपके आज व्यय बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्च से आज आपको बचना है। तो बहुत ज्यादा खर्च होगा दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, तो आज आपको उसको बचाना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस चमत्कारी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज की तिथि में आपको कर्ज यानी ऋण लेने से बचना है। चलिए इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ रहे हैं चंद्र प्रकाश, जानते हैं उनके जीवन में क्या समस्या है। जी आप सबसे पहले अपनी जन्मतिथि बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए रुस्तम अली जुड़ रहे हैं अगले कॉलर हमारे साथ। जी जी बताइए सबसे पहले अपनी जन्मतिथि। रुस्तम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। शिवम जुड़ रहा है हमारे साथ मिर्जापुर से। शिवम सबसे पहले हाँ। आप हमें अपनी जन्मतिथि बताइए। जी हमें अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। जी अपनी हमारी मम्मी का नाम है ज्योति गुप्ता, दिन 17/1977, महीना दिसंबर। जी समय बताइए। और समय बताइए। समय सुबह के रात को 3 बजे। जी बुधवार। आपकी मम्मी को क्या समस्या है। जी हमें अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में पूछना, उनका तबीयत हमेशा सही नहीं रहता है। जी जी बिल्कुल, देखिए आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता दिखाई दे रही है। उनके जन्मपत्रिका के अनुसार बुध की महादशा चल रही है और बुध की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तृतीय भाव में बुध वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में बुधवार के दिन गाय को आप अपनी माता जी को बताइए कि अपने हाथ से हरा चारा हरा साग खिला दिया करें और ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज से शुरू कर दें, क्योंकि बुध के देवता भगवान श्री गणेश है और आज संकष्टि गणेश चतुर्थी करवा चौथ का व्रत है, तो आज की तिथि से आरंभ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दीपन जुड़ रहे हैं इस वक्त आगरा से, अगले कॉलम अरसा। दीपन सबसे पहले आप हमें अपनी जन्मतिथि बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार बताइए। जी मेरा बच्चा है, उसका जन्म है 1999। जी सुबह 7:30 बजे शुक्रवार का। जी महीना और दिन भी तारीख भी बता दीजिए। हाँ तारीख है 15 जनवरी। जी दिन शुक्रवार। जी समय 7:30 बजे। जी जी उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है और बिल्कुल भी आधा घंटे नहीं बैठ पाता पढ़ने के लिए, जरा सी देर में वो हो जाता है। जी बिल्कुल। और आपसे पहले जो आचार्य जी थे उन्होंने बताया था कि मतलब उसके गले में मैंने नौ दुर्गे में जो फर्स्ट वो पड़ा था वो मंगलवार उसको तांबे का सिक्का पहना दिया था लाल धागे में। जी जी बिल्कुल, देखिए वो उपाय बिल्कुल ठीक है। और अभी जो दशा चल रही है आपके बालक के लिए वो शुक्र की दशा है, शुक्र कर्म भाव का स्वामी है। और ऐसी युवावस्था में जब शुक्र की दशा चल रही हो, देखिए शुक्र मौज मस्ती का कारक है, दोस्तों मित्रों के साथ घूमना फिरना, फिल्में देखना, मन में भटकाव, खेलना कूदना, बच्चे का ध्यान पढ़ाई के अलावा इन सारी चीजों में जाता है। तो अगर इस बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाए, उनको सही तरीके से सुझाव दिया जाए, आप प्यार से धीरे धीरे उसको समझाते रहे और उनको सही मार्गदर्शन करें, तो बच्चा गलत रास्ते से आकर के सीधे रास्ते पे आ जाएगा, सही मार्ग पर आ जाएगा, सन्मार्ग पे आ जाएगा। अगर इसकी ये
सारी स्थितियां बरकरार रही तो भविष्य में इसकी पढ़ाई खराब होने के भी योग दिखाई देते हैं। तो जो आपने उपाय किया है, गले में एक तांबे का सिक्का पहनाया, वो ठीक है। और इसका दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आज से आप आरंभ करिए। शुक्र की दशा है, आज शुक्रवार का दिन, चतुर्थी की तिथि है। आज के दिन से किसी ब्राह्मण को सफेद चीजों का दान 16 शुक्रवार के लिए आप कर दीजिए, जिसमें दूध, दही, चीनी, चावल और कुछ दक्षिणा 21 या 11 रुपए हो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में नए मित्र, नए संबंध बनने के योग दिखते हैं। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि आने वाली है। आपके साथ जो भी नया व्यक्ति आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको अपने धन को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा आप वापस नहीं कर पाएंगे। और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज निवेश का दिन जो है वो उचित नहीं है। सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। आज की तिथि को सर्वोत्तम बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। आज किसी भी कार्य को करने में जल्दीबाजी मत करिए। चलिए और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, जी बिल्कुल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यय बढ़ने के संकेत दिखते हैं। परिवार की सुख शांति बनी रहने वाली है। आज की तिथि को सफल बनाने के लिए संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पारिवारिक विवाद को आज बढ़ाने से बचिए। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के लाभकारी उपाय की, यानी महामंत्र की। आचार्य जी, जी बिल्कुल। आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज की तिथि करवा चौथ की तिथि के साथ साथ संकष्टि गणेश चतुर्थी की तिथि है। तो आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, आप इस उपाय को आज से आरंभ करें और आने वाले कुछ समय तक करिए। 11 दिन 21 दिन करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि आज से आरंभ करके हर दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको स्नानोपरांत 108 नीले पुष्प लेने हैं। ओम शन नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री शनि देव के चरणों में आप ये पुष्प अर्पित कर दीजिए। ऐसे अगर आप लगातार 11 दिन 21 दिन या 40 दिन तक इस प्रयोग को करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी समस्या, रोग, शोक, आपके चारों तरफ माहौल बहुत खराब है, जितने भी कष्ट आप झेल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह प्रयोग बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, इसको आप आज से आरंभ कर सकते हैं। चलिए चले जी, आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को तमाम तरह की जानकारी दी, उनकी समस्याओं से निराकरण के लिए रास्ते दिखाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।